दोस्तों आजकल किसी भी ऐप पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, खासतौर से जब कोई ऐप्स ऑनलाइन बैंकिंग या पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। डिजिटल पेमेंट भारत में सबसे बड़ा नाम फोन पे का है, इसलिए हम आपको बताएंगे कि क्या फोन पे सेफ है या अनसेफ। भारत में फोन पे यूजर लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा है। डिजिटल पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि दूसरे ऐप्स के मुकाबले इसका इस्तेमाल आसान है और फास्ट भी है। क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए फोन पे में हर ट्रांजेक्शन के लिए आपकी फिंगरप्रिंट, UPI पिन और पासवर्ड की जरूरत होती है। फोन पे तो सेफ है, लेकिन आपको भी सेफली इस्तेमाल करने की जरूरत है, वरना आप भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ फोन पे के बारे में नहीं बल्कि सभी डिजिटल पेमेंट ऐप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ऐप सबसे बेस्ट है और पूरे भारत में कितने डिजिटल पेमेंट ऐप चल रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फोन पे में फ्रॉड होता है कैसे। सिर्फ फोन पे में नहीं, फ्रॉड करने वाले हर डिजिटल पेमेंट ऐप्स में अलग अलग तरीकों से फ्रॉड करते हैं, जैसे कैशबैक फ्रॉड, KYC फ्रॉड, रिक्वेस्ट मनी फ्रॉड, स्कैन QR कोड फ्रॉड, थर्ड पार्टी ऐप्स पेमेंट फ्रॉड, ट्विटर फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड और सिम स्वैप फ्रॉड। कितने तरह के फ्रॉड हैं। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा, चोर के सामने ताला और बेईमान के सामने केवाला। क्या फोन पे से पैसा रिफंड होता है? जी हाँ, होता है। आपका ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है लेकिन पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो फोन पे के द्वारा 24 घंटों में पैसा अकाउंट में भेजे जाते हैं। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 3 या 4 दिन में पैसे नहीं आए तो आप फोन पे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर में कॉल करें। नीचे कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित है? ये सारे ऐप्स एक जैसे ही हैं। सिक्योरिटी और यूजेस की बात करें तो इनमें कोई फर्क नहीं। आप पेमेंट के लिए कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फर्क क्या, इन तीनों ऐप्स में सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अगर फीचर्स की बात करें तो पेटीएम और फोन पे ऐप्स फिलहाल फीचर्स में आगे हैं, खास करके पेटीएम। डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड पेमेंट के अलावा इंश्योरेंस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स जैसे फीचर्स पेटीएम और फोन पे ऑफर करती है। वहीं पर गूगल पे एक UPI ऐप्स है, QR कोड पेमेंट, रिचार्जेस और बिल जैसे सर्विसेज ऑफर करती है। लेकिन जल्द ही गूगल पे भी सारे नए चीज लाने वाली है। गूगल पे डिजिटल पेमेंट पर फोकस करती है और पेटीएम फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, बुकिंग, रिचार्जेस और स्प्लिट बिल जैसी फीचर्स में आगे है। वहीं पर फोन पे ने अपना फोकस एक्सपेंड किया है बिलिंग और इंश्योरेंस जैसे चीजों में भी। यहाँ पे एक और बात आता है स्पीड की। अगर स्पीड की बात करें तो तीनों ऐप्स का एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसका रिजल्ट यह है कि पेटीएम इस दौड़ में आगे है, फोन पे दूसरे नंबर पर और आखिर में गूगल पे। ये रिजल्ट आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने तीनों ऐप्स के फीचर्स के बारे में बात कर ली। अब मैं आप सभी को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। क्या किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप से पेमेंट करने के बाद दुकानदार हमारा नेम, मोबाइल नंबर या एड्रेस जान सकता है? तो बिल्कुल नहीं। जब आप किसी भी मेथड से पेमेंट करते हैं तो आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर दुकानदार को पता नहीं चलता है। दुकानदार को आपका सिर्फ बैंक नेम, ट्रांजेक्शन नंबर और पैसे लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर पता चलता है अगर आपका UPI नंबर होगा तो। फिर चाहे आप किसी भी UPI ऐप से पेमेंट करें, जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, अगर आप QR कोड से पेमेंट करते हैं तो रजिस्टर्ड नेम, पेमेंट अमाउंट और ट्रांजेक्शन ID के अलावा कुछ नहीं दिखता। UPI से पेमेंट करते हैं तो अगर सामने वाले के पास आपका मोबाइल नंबर सेव हुआ तो, अगर नहीं तो सिर्फ UPI ID दिखाई देगी। यानी कुल मिलाकर दुकानदार आपका एड्रेस नहीं दे सकता और ना ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID देख सकता। फोन पे से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? फोन पे में ट्रांजेक्शन लिमिट है, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और 1 लाख से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपने गलती से किसी दूसरे के पास पैसा ट्रांसफर कर दिया तो क्या करेंगे? रूल के मुताबिक अगर आप गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा भेजते हैं तो सबसे पहले आपको फोन पे कस्टमर केयर से बात करना है या सीधे जिसके पास पैसे गए हैं उसे रिक्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना डिजिटल पेमेंट के बारे में।
और इस ऐप्स की खास खास बातें। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। टेक केयर।